हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू हर लैंड। आज की जो हमारी मूवी है वो है द सीड, जो 2007 में आई थी। मूवी की शुरुआत में एक टेक्स्ट आता है जिस पर ये लिखा हुआ था कि मूवी में कुछ रियल सीन्स दिखाए गए हैं जो कि डिस्टर्बिंग है, और इन सीन्स को इस मूवी में ह्यूमैनिटी को बनाए रखने के लिए डाला गया है। जिसके बाद में हम सचमुच में कुछ रियल डिस्टर्बिंग सीन्स देखते हैं जिसमें लोगों के द्वारा बेजुबान जानवरों को मारा जा रहा था, और एक आदमी तो एक जंगली जानवर के ऊपर अपने दोनों पैरों से खड़ा हो गया था और उसने उसे ऐसे ही मार दिया था, और ये सभी फुटेजेस एक मास्क लगाए हुए आदमी देख रहा था। अब ये सीन शिफ्ट होता है और अगेन एक टेक्स्ट दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि जिस भी कैदी को मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, जिसमें उसे एक इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बिठाकर मारा जाएगा। अगर वो कैदी 15,000 वोल्ट के 3 झटकों के बाद भी जिंदा रहता है तो उस कैदी को आज़ाद कर दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि किसी कैदी को इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बैठाया हुआ है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं ताकि उसे मौत की सज़ा दी जाए, और फिर उसे 15,000 वोल्ट के इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, और ये झटके इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि एक ही झटके में उस आदमी के शरीर से धुआं निकलने लगा था और उसके शरीर से खून भी बहना चालू हो गया था। वो आदमी तो मर जाता है लेकिन उसकी मौत भयानक मौत थी। फिर बाद में शॉक देने वाला आदमी जेल के वार्डन को ये कहता है कि इलेक्ट्रिक चेयर अब ख़राब हो चुकी है, इससे और ज़्यादा लोगों को सज़ा न दी जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि इतनी भयानक मौत देकर वो इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला आदमी भी डर चुका है। जिसके जवाब में वार्डन उसे दिलासा देता है, उसने सीनियर ऑफिशियल को चेयर बदलने के लिए लेटर लिखा है और जल्दी ही ये चेयर बदल दी जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक बस का सीन देखते हैं जिसमें कई सारे लोग थे और वो मास्क पहने व्यक्ति भी था, और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। तभी एक आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि ये सीरियल किलर है, लेकिन कोई उस आदमी की बात नहीं सुनता और सभी लोग नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे कि तभी उस आदमी की नींद खुलती है और उसे पता लगता है कि वो बस एक बुरा सपना देख रहा था। ये आदमी था डिटेक्टिव बिशप, और इसी ने मास्क वाले सीरियल किलर को पकड़ाया था जिसका नाम सीड था। सीड ने 6 सालों में 666 किडनैप और मर्डर किए हुए थे, और उसे अब इसके लिए मौत की सज़ा मिलने वाली थी जो कि इलेक्ट्रिक चेयर पर करंट देकर होने वाली थी। बिशप जानता था कि सीड कितना खतरनाक किलर है, और उसने उसके 4 ऑफिसर को भी मार डाला था। सीड को ऐसी जेल में रखा गया था जो कि एक आइलैंड पर थी और चारों तरफ से समंदर से घिरी हुई थी। फिर जेल का वार्डन सीड के पास आकर उससे आखिरी ख्वाहिश पूछता है, लेकिन सीड उसके बदले में कुछ नहीं बोलता, वो बस चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता है। अब मूवी थोड़ा फ्लैशबैक में आती है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर सीड को पकड़ने की कोशिश में थे। वो सीड के द्वारा छोड़े गए टेप्स देख रहे थे जिसमें वो रिकॉर्ड करता है कि वो लोगों को कैसे मारता है। उस टेप में दिखाते हैं कि जब एक चूहे को भूखे प्यासे मरने और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उससे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब किसी पालतू कुत्ते को मरने के लिए छोड़ते हैं तो लोगों को थोड़ा दुख महसूस होता है। सिड इतना बड़ा दरिंदा था कि उसने एक बच्चे को भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ दिया था, और मरने के बाद तक भी उसके मांस को कीड़ों ने खा खा कर ख़त्म कर दिया था। अब बारी थी उस बच्चे की माँ की, उसे भी उसी रूम में मरने के लिए छोड़ दिया था जहाँ पर पहले उसका बच्चा था। वो कई दिनों तक तो भूखी रहती है और फिर वो अपने ही बच्चे का सड़ा हुआ बचा कुचा मांस भी खा लेती है, जिसके बाद में उसका भी यही हश्र होता है जो कि उसके बच्चे का हुआ था। वो भी भूख के कारण मर गई थी और फिर उसके सड़ी हुई बॉडी को कीड़ों ने खा लिया था। सीड की वीडियो टेप से बिशप को पता लग गया था कि मर्डर और किडनैप की लोकेशन क्या है। बिशप अपने साथ में 4 ऑफिसर की टीम को लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। सीड का घर दूर दराज वाले इलाके में था और इसी कारण किसी को भी कुछ भनक नहीं लगी थी। सीड के घर में अंधेरा होने के कारण कुछ लोग टॉर्च लेकर बेसमेंट में जाते हैं और कुछ फर्स्ट फ्लोर पर, और बाकी के ऑफिसर उसे अंदर ही ढूंढ रहे थे। नीचे बेसमेंट में एक ऑफिसर को चेयर पर बैठी हुई एक लेडी दिखाई देती है, लेकिन जब वो उसे पलटता है तो वो पूरी तरह से सड़ी हुई थी, और उसे पलटते ही एक ट्रिगर एक्टिवेट हो गया था, और उस ट्रिगर से उस पुलिस ऑफिसर को वहीं पर अपनी जान गंवानी पड़ती है। फिर हम ये देखते हैं कि दूसरा ऑफिसर सीट को वहीं पर अंदर ढूंढ रहा है, लेकिन तभी होता यह है कि सीट पीछे से आकर उस ऑफिसर के सिर में ड्रिल मशीन को घुसाकर उसे वहीं पर मार डालता है। अगला ऑफिसर सीड को ढूंढने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर गया हुआ था, लेकिन सीड उसे भी ऊपर पहुंचने से पहले ही निपटा देता है। हम ये देखते हैं कि बिशप बाहर खड़ा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है, और उसके सारे ऑफिसर मारे गए हैं। फिर बिशप अंदर जाता है और उसे पता लगता है कि उसके सारे ऑफिसर मर गए हैं, और अब सीड उसके पास ही आने वाला था। बिशप ये समझ जाता है कि सीड ने सभी को मार दिया है और अब उसकी बारी है, लेकिन बिशप बारिश और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर सीड को पकड़ने में कामयाब होता है। बिशप सीड को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाता है
जहाँ पर उसे पुलिस लॉकअप में रखा गया था। और पुलिस लॉकअप में तीन और ऑफिसर उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। एक ऑफिसर सीट के पिछवाड़े में चाकू घुसा देता है, जिससे कि सीट को गुस्सा आ जाता है और वो एक ऑफिसर का हाथ वहीं पर तोड़ देता है, जिससे कि वो ऑफिसर घायल हो गया था। और दूसरे ऑफिसर की आंख में वो चाकू मारकर उसे वहीं पर मार डालता है। अगला ऑफिसर लॉकअप से भागने की कोशिश में था, लेकिन सीट उसे देख लेता है। वो उसके सिर पर इतनी ज़ोर से लात मारता है कि उसका सिर जेल के सलाखों से टकरा कर फट गया था। और अब सीट ने तीन और ऑफिसर को मार दिया था, जिसके बाद में सीट को इलेक्ट्रिक चेयर पर सजा देना निश्चित हो चुका था। और हम देखते हैं कि सीट को जेल में इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाने के लिए लाया जा रहा था। जितने भी लोगों को सीट ने मारा था, उनका परिवार वहाँ पर सीट की मौत को देखने के लिए मौजूद था। लेकिन सीट को इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं था कि उसने इतने सारे मासूम लोगों को ऐसे ही मार दिया। सीट को जल्दी इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाता है, जहाँ पर जेल के वार्डन बिशप और एक और शॉक देने वाला आदमी मौजूद था। शॉक देने वाला आदमी वार्डन से कहता है कि ये चेयर ठीक नहीं है और इस पर शॉक नहीं दिया जा सकता, लेकिन वार्डन उसे इसी चेयर पर शॉक देने के लिए फोर्स करता है और उसे मजबूरन ख़राब चेयर पर शॉक देना पड़ रहा था। चेयर पर सीट को बिठाया जाता है और जल्दी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी हो रही थी। सीट को चेयर पर बिठाते हैं और उसके हाथ पर को बांधने के बाद में उसके सिर पर एक कपड़ा डाला जाता है और हमें पता लगता है कि सीट का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है, जिसे देखने पर मरे हुए लोगों के परिवार वाले भी कांप जाते हैं। फिर सीट को मारने के लिए उसे 15,000 वोल्ट के इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिसके 45 सेकंड होने के बाद में डॉक्टर चेक करता है कि सीट मरा है या नहीं, लेकिन सीट जिंदा था। उसकी बॉडी में अभी भी हरकतें हो रही थी। और फिर अगेन शॉक देने वाला व्यक्ति उसे फिर से शॉक देता है ताकि वो मर जाए। और शॉक देने के साथ साथ सीट की बॉडी से धुआं और खून दोनों बहना शुरू हो गया था। ये शॉक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि सीट की बॉडी में भी आग लग चुकी थी और अब ऐसा लग रहा था कि शायद सीट मर चुका होगा, लेकिन सीट की हार्ट बीट अभी भी चल रही थी। और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार अगर कोई कैदी 3 बार शॉक झेल लेता है तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन सीट जैसे सीरियल किलर को आज़ाद नहीं किया जा सकता था। और सब ये डिसाइड करते हैं कि सीट को डेड घोषित कर दिया जाए, जिसके बाद में सीट को ऐसे ही जिंदा गाड़ने की तैयारियां हो रही थी। उसे एक कॉफिन में बंद करके जेल के ही कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाता है और वहां पर डॉक्टर, वार्डन और बिशप तीनों मौजूद थे। फिर सीट को गाड़ने के बाद में सभी अपने अपने रूम में जा चुके थे और बिशप भी आइलैंड से दूर अपने घर पर चला गया था। लेकिन सीट की कब्र के अंदर कुछ और ही चल रहा था। सीट अभी भी मरा नहीं था, वो जिंदा था और वो अंदर ही अंदर कब्र को खोदने में लगा हुआ था। और आखिरकार सीट कब्र को खोदकर बाहर आ ही जाता है। कब्र से बाहर आने के बाद में सीट सबसे पहले शॉक देने वाले आदमी को मारता है। वो उसे शॉक देने वाली चेयर पर बिठाता है और उसे 15,000 के वैसे ही झटके देता है जैसे कि शॉक देने वाला आदमी ने सीट को दिए थे। और फिर सीट उसे तब तक शॉक देता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। और फिर सीट आता है डॉक्टर के पास में, जिसने उसे जिंदा होने पर भी डेड घोषित कर दिया था। डॉक्टर अपने रूम में था और सीट उसके बेड के नीचे, और सीट उसे वहीं पर पकड़कर उसे मौत के घाट उतार देता है। सीट डॉक्टर को मार चुका था और अब बारी थी वार्डन की। सीट वार्डन के दरवाजे पर आकर नॉक करता है और बड़ी सी स्टिक को वो वार्डन के पेट में घुसाकर उसे वहीं पर मार डालता है। और अब वार्डन, डॉक्टर और शॉक देने वाला आदमी तीनों मर चुके थे और अब बचा था सिर्फ बिशप। बिशप अपने घर पर था और अपनी पत्नी एमिली और अपनी बेटी के साथ में था। उसे तो ये लग रहा था कि सीट मर चुका होगा, लेकिन सीट ने सभी को मार दिया था और अब वो आइलैंड को छोड़कर शहर की तरफ बढ़ रहा था। अब अगले दिन सभी पुलिस ऑफिसर और बिशप को खबर मिलती है कि जेल के वार्डन, डॉक्टर और सभी लोगों की किसी कैदी ने हत्या कर दी है। और इसकी जांच पड़ताल के लिए बिशप वहां पर पहुंचता है। वो देखता है कि वार्डन मरा हुआ है और उसके कमरे में गीली मिट्टी के निशान है जो कि कब्र से आए हुए थे, और ये सीढ़ी था जो कि अपनी कब्र से वापस लौट चुका था। फिर हम देखते हैं कि काफ़ी समय बीत गया था और सीट अभी भी नहीं मिला था, लेकिन ये बात बस बिशप और उसके साथियों को पता थी कि सीट भाग चुका है। दुनिया वालों के लिए सीट तो तभी मर चुका था जब उसे शॉक दिया गया था। महीनों तक तो सब कुछ शांत रहता है और फिर अगेन मौत का सिलसिला शुरू हो गया था, एक दर्दनाक मौत का सिलसिला। और ऐसा लग रहा था कि कोई सीट को कॉपी कर रहा है। हम देखते हैं कि सीट अपने पुराने अंदाज में है और एक लेडी को हथौड़े से पीट पीट कर उसे मार रहा था। बिशप को मालूम चल चुका था कि सीट अपने पुराने रूप में आ गया है और वो इसीलिए अपनी पूरी फैमिली की सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। फिर एक दिन होता यह है कि बिशप को उसके ऑफिस में कोई एक टेप डिलीवर करता है जिसमें उसके घर की फुटेज थी।
और बिशप तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। बिशप तुरंत अपने घर की ओर निकल गया था, लेकिन उसे अपनी पत्नी और बेटी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि सीड उसे पकड़ कर ले गया था। जिसके बाद में बिशप सीड के पुराने घर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसे एक टीवी दिखाई देती है जिसमें उसकी वाइफ और बेटी की टेप चल रही थी और सीड उन दोनों को मारने वाला था। टीवी के अंदर बिशप की बेटी उसे बताती है कि सीड ये चाहता है कि बिशप सुसाइड कर ले, जिसके बदले में वो उसकी वाइफ और उसकी बेटी को छोड़ देगा। लेकिन बिशप ऐसा नहीं करता और सीड उसकी वाइफ के सिर में खिल ठोकने वाली मशीन से खिल ठोक देता है, जिससे कि वो वहीं पर तुरंत मर जाती है। और अब सीड बिशप की बेटी को मारने वाला था, ठीक उसकी माँ की ही तरह। लेकिन बिशप अपनी बेटी के मरने से पहले खुद सुसाइड कर लेता है, ताकि सीड उसकी बेटी को नहीं मारे और उसे ज़िंदा छोड़ दे। जिसके बाद में सीड बिशप की बेटी को उसके रूम में बंद करके उसे वहीं पर मरने को छोड़कर चला जाता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर